सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है, बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। थंबनेल और टाइटल से आपको ये चीज पता चली चुकी होगी कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। भाई ये वीडियो है फॉर्च्यूनर में पैडल शिफ्टर्स कैसे यूज करें आप और क्या फायदा उसका सिटी में यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते, करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल हम ये वीडियो रखेंगे। और भाई ये है अपनी फॉर्च्यूनर, पैडल शिफ्टर्स आपको दिख ही रहे होंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो भाई चलो वीडियो करते हैं शुरू। सो गाइज, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने हैं तो हमेशा ड्राइव से स्पोर्ट्स पे डाल के करिए, बट मैं ये नहीं करूँगा। मैं नॉर्मल अभी ड्राइव पे हूँ, आप देख सकते हो मैंने उसको इस पे नहीं किया, स्पोर्ट्स पे नहीं किया। तो अब अगर मेरे को पैडल शिफ्टर्स यूज़ करने हैं तो बेसिकली मेरे को कुछ नहीं करना, नॉर्मल मैं चल रहा हूँ। अभी मेरी गाड़ी जो है ऑटोमेटिक चल रही है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक बार प्लस टैप करूँगा और अब मेरी गाड़ी मैनुअल चलेगी पैडल शिफ्टर्स पे। मैं बिना स्पोर्ट्स मोड के यहाँ पे चला रहा हूँ मैनुअली, और अब ये पूरा आरपीएम भी खींच के जाएगी, आप देख सकते हो। अब ये 3 पे है और ये आरपीएम खींच रही है, 4th 5th। और अगर मेरे को धीरे करना है तो वही गियर डाउन करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस वाला पैडल शिफ्ट को दबाऊंगा और बहुत ईजिली हो जाएगा। और गाइस अभी आप देख सकते हो मेरी गाड़ी 4th गियर पे थी, मैंने माइनस पे जो पैडल शिफ्ट है नहीं करा, गियर डाउन नहीं करा, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक पे चली गई, मैनुअल मोड से हट गई अपने आप ही, मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं गियर नहीं डाउन करूंगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी या झटके देगी, ऐसा कुछ नहीं है। 4th गियर पे मेरी गाड़ी की स्पीड 10 भी नहीं थी और अपने आप ही उस गाड़ी ने मैनुअल मोड से हट के ऑटोमेटिक पर चली गई। ये होता है अगर आप स्पोर्ट्स मोड में नहीं जाओ और ड्राइव पे ही नॉर्मल पैडल शिफ्टर यूज करो। सो गाइस, ये बहुत छोटी सी क्लिप थी जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आप ड्राइव पे रह के पैडल शिफ्टर्स कैसे यूज कर सकते हो, बट अगर मैं ड्राइव पे रह के इसको स्पोर्ट्स पे कर दूं तो मेरे पास अब 2 ऑप्शन होते हैं गियर चेंज करने के लिए मैनुअली। एक है पैडल शिफ्टर्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, आप स्पोर्ट्स मोड में रह के भी पैडल शिफ्टर्स सेम यूज कर सकते हो जैसे मैंने आपको ड्राइव पे करके दिखाए थे, बट स्पोर्ट्स मोड में आपको एक और चीज मिलेगी। अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो अब मैं मैन्युअली जो गियर शिफ्ट करूंगा वो मैं यहां से करूंगा, तो यहां पे मैं 6th गियर पे ऑटोमेटिक आ चुका हूं। मेरे को गियर डाउन करना है तो मैं यहां पैडल शिफ्टर से भी कर सकता हूं, 5 4 3, ये मैं पैडल शिफ्टर से कर रहा हूं स्पोर्ट्स मोड में, और मैं यहां से गियर बढ़ा भी सकता हूं 3 से, ये हो गई 4 पे। तो ये है स्पोर्ट्स मोड में, और स्पोर्ट्स मोड में आपको 2 तरीके मिल जाते हैं मैनुअली गाड़ी को चलाने के लिए। अब मेरे को कुछ नहीं करना, अगर स्पोर्ट्स मोड से हटाना है तो मैं बेसिकली इसको स्पोर्ट्स से ड्राइव पे डाल दूंगा, चलती गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अभी ऑटोमेटिक चल रही है, मेरे को अब मैनुअली शिफ्ट करने नहीं पड़ेंगे। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, बहुत छोटी, बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट रखने की मैंने कोशिश करी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें से किसी भी एक फीचर को, या अगर आप चाहते हो मैं कुछ भी इस गाड़ी से रिलेटेड आपको डिटेल में बताऊं, तो गाइस जरूर कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो डिटेल में बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, या इसी टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए अगर आपको लगा हो कि बहुत शॉर्ट में समझाया और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते थे किसी चीज को, तो जरूर बताना कमेंट्स में। और बस यही है आज की वीडियो के लिए, इतना ही था, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।